हाय गाइस, कैसे आप सब? मैं हूं कार्तिक, आप देख रहे हो ऑलराउंडर केतरी। तो कैसे हो आप लोग? तो गाइस, ये है कलम पेन, नॉर्मल पेन नहीं है, ये है स्टाइलस। जी हाँ, ये स्टाइलस है। आप लोग बोल रहे हो कैसी स्टाइलस है भाई, ये घर में बनाई है, वो भी सिर्फ और सिर्फ 10 रुपये में, 10 रुपये के सामान से। चलो मैं आप लोग को प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। तो गाइस ये देखो, ये है अभी मेरे पास टैबलेट और ये स्टाइलस। तो ये देखिए गाइस, ये यहाँ से ब्राइटनेस कम ज़्यादा हो रही है, ये देख सकते हो आप लोग, समझ आ ही रहा होगा। ये यहाँ ऐप्स ओपन हो सकते हैं, ये देख सकते हैं आप लोग, थोड़ी सी ज़्यादा वो होती है ये, नहीं तो देखिए पूरी स्मूथ वर्क करे। अब वैसे भी 10 रुपये में और क्या भाई, मतलब एकदम परफेक्ट स्टाइलस तो बनेगी नहीं। तो देख सकते हो जैसे कि यहाँ पे गूगल ओपन हो रहा है, ये सब ओपन कर सकते हैं अपन आराम से। यहाँ पे कुछ भी सर्च करना है, जो मेरी बैंड का टॉपिक चल रहा है। तो इस स्टाइलस को आप घर में कैसे बना सकते हो, ये इस वीडियो में आपको बताना। तो इस स्टाइलस को एकदम स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा और कैसे फिर आपको दूंगा। तो चलो गाइस करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले आपको पेन की बॉडी चाहिए, ये इस टाइप के पेन है, 2 रुपीज़, 5 रुपीज़ या 10 रुपीज़ के, कोई से भी आप ले सकते हैं, ये वाला मैं ले लेता हूँ। तो इसके बाद सेकंड चीज़ चाहिए आपको कॉपर वायर या फिर कोई सी भी केबल, मैं केबल यूज़ कर रहा हूँ, आप कॉपर वायर भी यूज़ कर सकते हैं। आपको थर्ड आयरन नेल चाहिए या फिर सेफ्टी पिन, कॉटन चाहिए थोड़ा सा, या फिर आपको फेविक्विक या फिर कोई भी ग्लू चाहिए। उसके बाद सीजर्स चाहिए, अ पेयर ऑफ सीजर्स। तो ये सारा सामान आपको चाहिए रहेगा अगर आपको एकदम अच्छे से बनाना है। सबसे पहले केबल के ब्लैक वाला पार्ट आपको हटा लेना है पूरा, उसके बाद कुछ इस टाइप पे दिखेगी, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। उसके बाद आपको पेन लेना है, इसे यहाँ से रिफिल को रिमूव कर लेना है और पेन में यहाँ पे आपको एक होल कर लेना है, इसलिए मैं आयरन नेल बोल रहा हूँ, जो कि होल करने के लिए आपको आयरन नेल लगेगा ही या फिर किसी भी चीज़ से। आपको यहाँ पे बस होल करना है, ध्यान से करिएगा और आप अपने हाथ को हाथ में मार ना लें, आयरन नेल जो कि रहता है डेंजरस। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे होल जो है हो चुका है सही से, सही तरीके से, इतना बड़ा होल तो लगेगा ही मिनिमम। फिर आपको वायर लेना है और वायर में से यहाँ पे बहुत सारे रहेंगे, तो आपको 3 या 4 वायर्स को अकेले निकाल लेना है, पूरा वायर नहीं, इतने सारे वायर्स मत लीजिएगा, सिर्फ 3 या 4 वायर लेना है। फिर इनको इस टाइप से आपको घुमेट लेना है ताकि ये जो है निकले ना, इसलिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं, मैं पूरी अच्छी तरीके से कर लेना है। फिर यहाँ पे वायर आप देख सकते हैं, अब ये होल जो है ना, यहाँ होल के थ्रू आपको इस वायर को पास करना है और ऊपर साइड से निकालना है, ये देख सकते हैं। अब इस वायर को थोड़ा ऊपर वाला वायर ज़्यादा बड़ा ना रखें, फिर इसको यहाँ पर पूरा लपेटना रहेगा आपको, तो ऊपर मैं कर ले रहा ताकि अंदर ना जाए। फिर आपको इस टाइप से यहाँ ऊपर लपेटना है इस वायर को, पूरी तरीके से लपेटना है, और मतलब दूर दूर मत करिएगा, पास पास में करिएगा। अब यहाँ पे मैंने कर लिया है, यहाँ पे देख सकते हैं ऑलमोस्ट हो ही गया। अब फेविक्विक का काम मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप फायर को है जो वायर तो बाद में खुल जाएगा, इसलिए फेविक्विक से अपन इसको चिपका सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हो मैं यहाँ पे हल्का हल्का फेविक्विक डाल रहा हूँ बीच बीच में, ताकि वायर जो है अच्छे से चिपक जाए, निकले ना। तो यहाँ पे आप भी फेविक्विक यूज़ करना है तो आप कर सकते हैं, नहीं तो अगर आप बिना चिपकाए कुछ इस टाइप से कर सकते हो कि वायर फिर खुले ना, मतलब लूज ना होए, तो आप उस टाइप से भी यूज़ कर सकते हो। तो मैं फेविक्विक का यूज़ कर रहा हूँ फिलहाल। अब यहाँ पे ऊपर वाले वायर जो है, तो आपकी कैप रहती है जो पेन की ऊपर वाली कैप, इसके थ्रू आपको यहाँ से पास करना है वायर और इसको बंद कर देना है। इसके बाद इसको यहाँ पर मोड़ देना है और बचा हुआ एरिया को काट देना है। यहाँ पे आपको कुछ ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा रखोगे अगर आप वायर तो चलेगा। फिर यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा फेविक्विक डाल के इसको यहीं पे चिपका लेना रहेगा। तो यहाँ पे ये अपना पूरा काम लगभग हो चुका है। अब यहाँ पे आपको चाहिए कॉटन, कॉटन आपको थोड़ा सा निकाल लेना है बस, और फिर इसकी बाती टाइप की बनानी है, यहाँ पे देख सकते हो इस टाइप से आपको बाती टाइप की बनानी रहेगी, और एकदम मतलब पतली सी बाती बनाइएगा। इसको अपन एज अ निब यूज़ करेंगे। तो इसके बाद यहाँ होल में आपको इसको डाल देना है, आप आयरन नेल को इसमें भी यूज़ कर सकते हो डालने के लिए, जो कि ऑफिस पेन या फिर आयरन नेल आप इसमें यूज़ कर सकते हो।
बेटर है कि आप कुछ भी यूज़ करें और इसको पूरा मतलब अंदर तक डालिए, मतलब पूरा नहीं, थोड़ा सा एरिया बाहर भी रखना पड़ेगा और फिर उसके ऊपर ऐसे प्रेस करना पड़ेगा ताकि ये एकदम एज अ फ्लैट सरफेस टाइप का बन जाए, यहाँ पे ये फ्लैट सा हो जाए। तो इसको आप इस टाइप से कुछ करिएगा जिससे ये फ्लैट भी हो जाए और मतलब मोटा भी रहे थोड़ा सा। अब यहाँ पे मैं आपको फाइनल स्टेप दिखाता हूँ। आपको एक कप ऑफ वाटर लेना है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा पानी लिया हूँ। अब पानी आपको हर बार यूज़ नहीं करना, बस जब फर्स्ट टाइम यूज़ करोगे तब। ये डिफरेंट एंगल से दिखा रहा हूँ आपको, जो है पेन को सिर्फ पानी के सरफेस पर टच करना है, सिर्फ ये टच कर लिया और हो गया। अब थोड़ी सी वेट हो जाएगी कॉटन, फर्स्ट टाइम आप जब यूज़ करोगे तभी करना है, इसके बाद आप यूज़ करोगे तो पानी नहीं लगेगा। अपना डिवाइस ले लेते हैं ओपन। अब आपको ना यहाँ पे जो वायर वाला सरफेस है इसको पकड़ के यूज़ करना है, अगर आप प्लास्टिक सरफेस पकड़ के यूज़ करोगे तो नहीं होगा वो। यहाँ पे देख सकते हैं भाई, ये सक्सेसफुली अपना जो है ये वर्क कर रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एकदम स्मूथली। अब मैं वायर की जो मैं प्लास्टिक एरिया पकड़ के वर्क करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे नहीं होगा। अब फिर वायर वाले एरिया पकड़ता हूँ मैं और यहाँ पे देख सकते हो ये वर्क कर रहा है। तो मेक श्योर कि आप वायर्ड वाला एरिया वहीं पर करें जहाँ से आप पेन को पकड़ते हैं, जैसे कि सब लोग सामने साइड से पकड़ते हैं तो वहीं पे से आप वायर वाले एरिया को मतलब घूमें तभी ये वर्क करेगा, नहीं तो प्लास्टिक एरिया से वर्क नहीं करेगा। तो गाइस कैसी लगी आपको ये पेन, ये देख सकते हो भाई, मतलब कितना सिंपल वे है कि अपन इसको बना सकते हैं घर में। अब इसके पीछे की साइंस की बात करें ना, तो मैंने आपको एक चीज़ दिखाई थी कि जब आप इस गोल्डन वाले जो वायर है इसको अपन जब पकड़ के यूज़ करते हैं स्क्रीन पे तभी ये वर्क करती है, और अगर अपन ये प्लास्टिक एरिया पकड़ के अगर अपन यूज़ करते हैं तो ये वर्क नहीं करती है। इसके पीछे की साइंस कुछ इस टाइप की है, जब आप इसको पकड़ लेते हैं ये वायर को तो अपनी बॉडी से जो चार्जेस रहते हैं वो ये वायर में जाते हैं और वायर से यहाँ पे हिट करते हैं, फिर ये स्ट्राइक करती है स्क्रीन पे जिससे स्क्रीन जो है वर्क करती है। और यहाँ पे कॉटन लगाया मैंने इसलिए ताकि जो है स्क्रीन को कोई डैमेज ना हो। आप चाहो तो वो रबड़ वाला जो आता है जो उसमें वर्क करता है वो लगाओगे तो उससे आप ट्राई करोगे तो मे बी उससे शायद से वर्क नहीं करेगा क्योंकि वो रबड़ का है। और इसको अपन ने शुरू में मतलब पानी में अपन ने इसको टच करा था ताकि जो चार्जेज हैं वो इजीली और मतलब अच्छे से फ्लो कर सकें, जो कि पता ही आप लोगों को जब वेट होती है कोई भी चीज़ पानी में और चार्जेज रहते हैं बहुत ज़्यादा अच्छे से मतलब वो करते हैं कैरी करते हैं। ये पेन गिर गया भाई मेरा। तो ये इसके पीछे की साइंस ने तो यार ऐसे तो वर्क कर रहा हूँ बहुत ही काम पे। तो यार कैसी वीडियो है गाइस, अगर आप लोग की वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो पे एक लाइक कर देना यार, एक लाइक कर देना बहुत अच्छा लगता है तुम्हें। चैनल पे अगर आप पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर देना क्योंकि मैं इस टाइप की वीडियोज लाता रहता हूँ वीक में। मिलते हैं पर नेक्स्ट वीडियो में गाइस, टिल देन बाय एंड टेक केयर।